हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम HSN कोड वाला कॉलम कैसे एक्टिवेट करेंगे। हालांकि ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक खास बात ये है कि डिस्क्रिप्शन का अलग से कॉलम जोड़ना हो तो वो भी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम GST इनेबल कर लेते हैं। तो GST इनेबल के लिए F11 की प्रेस कीजिए और यहाँ से आ जाइए स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे आ गए। यहाँ से GST हम इनेबल कर रहे हैं, प्रेस किया और यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है और यहाँ पे जो GSTIN नंबर है वो आ जाएगा। 1 अप्रैल से 2020 से एप्लीकेबल है। मंथली GST फाइल करेंगे हम। ईवे बिल को नो रखा है हमने, यस एंटर प्रेस किया। यहाँ पर आपको HSN, देखिए यहाँ पे HSN और SSC कोड आ रहा है, लेकिन आपके में क्या होगा कि ये नहीं आ रहा होगा। तो आपको करना क्या होगा वो बता देता हूँ। आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे N प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पर अब HSN कोड वाला कॉलम नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो आपको F12 की प्रेस करनी होगी और यहाँ से HSN/SSC डिटेल्स को यस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी GST लगा रखा है, तो ये एक्टिवेट हो गया आपका HSN कोड, ठीक है। अब SSC, इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन वाले की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन हमें देना है अलग से, तो उसको कैसे दे सकते हैं चलिए ये देखो। बहुत ही आसान है, आपको मैं ले चलता हूँ कहाँ, वापस से गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ से आ जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में, ठीक है। हमने पहले से चीजें परचेस कर रखी हैं तो हम डायरेक्टली सेल्स वाउचर में एंटर कर रहे हैं। F8 प्रेस कीजिए या यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिलीवरी चालान नंबर या जो कुछ भी है वो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया और यहाँ पे आप चालान भी लिख सकते हैं, डिलीवरी चालान नंबर पूरा लिख सकते हैं। मैंने डिलीवर 567 ऐसे करके लिख दिया है और यहाँ पर अब जो हमारी डेटर पार्टी है उसका लेजर आएगा। ये दोनों क्रेडिटर पार्टीज हैं। हम डेटर पार्टी का लेजर कैसे बनाएंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और यहाँ लिखता हूँ रोहन, लिख दिया, ये डेटर पार्टी है। तो यहाँ एस प्रेस करूंगा, सन्ड्री डेटर के अंदर इसे डाल देंगे हम, एंटर प्रेस करूंगा और मेंटेन बिल बाय बिल इसको यस रखेंगे। एंटर प्रेस करते हुए अब इसको एक्सेप्ट करा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्ट और यहां से एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट करा रहा हूं, ये हो गया। अब यहां पर जैसे ही हम आते हैं, यहां से हमें F12 की प्रेस करनी है, ठीक है। और F12 की प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, और यहां पर दिया हुआ है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस रखा गया है। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर नेम्स, तो इसको भी चाहे तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ से यस प्रेस कर दीजिए और अब यहाँ से एंटर करते हुए यहाँ पर और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आइए, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। तो यहाँ से SAL एंटर प्रेस किया, एस प्रेस किया और यहाँ पर हमें अंडर सेल्स अकाउंट ये जाएगा, तो ये सेल्स अकाउंट कर दिया, एंटर प्रेस किया और ये एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कराते हैं। यहाँ पर आएंगे, अब आपको नेम ऑफ आइटम्स दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आइटम हमारे पास है, जैसे मान लीजिए कीबोर्ड है 400 पीसेज है, तो ये ले लिया हमने और 400 पीसेज कीबोर्ड में से 200 पीसेज हम सेल कर रहे हैं और 200 पीसे, अच्छा MRP 200 रुपए है, रिटेल प्राइस यानी कि MRP पे ही इसको सेल करेंगे, तो ये यहाँ पर आ गया। अब मान लीजिए कि एक ही प्रोडक्ट अगर हमें सेल करना हो तो यहाँ पे CGST SGST भी लगाना है, CGST लगा दिया, फिर SGST लगाते हैं, एंटर प्रेस किया और अब यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। ये एक्सेप्ट करा लिया, अब इसका हम प्रिंट देखते हैं एक बार चल के। दोबारा डी प्रेस करता हूँ और सेल्स वाउचर में हम गए थे, तो इसको हम अल्ट के साथ पी प्रेस करके इसका प्रिंट देखेंगे। इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूं, ये हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिसे हमने सेव किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शो हो रहा है, आप चाह रहे थे यहाँ पर HSN कोड हमने फिल नहीं किया, आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तमाम चीजें जो नीचे दिखाई पड़ती हैं वो दिखाई पड़ रही हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन इससे दूर हो जाएगी। अब हमें अलग से डिस्काउंट भी लगाना है, ठीक है, ये भी उन्होंने बिल में दिखाया है, अलग से डिस्काउंट भी लगा होना चाहिए, लेकिन इसमें अलग से कहीं डिस्काउंट हमें नजर नहीं आ रहा। चलिए बाहर निकलते हैं इससे, ये बाहर आ गए हम। अब हम क्या करेंगे, यहां से प्रेस करेंगे F11 की। जैसे ही F11 प्रेस करेंगे कंपनी फीचर्स की विंडो ओपन होगी, यहां से आपको इन्वेंटरी फीचर्स पे आ जाना, एंटर प्रेस करना है, और यहां पर आकर के जो नेविगेशन की है उससे आप आ जाइए यहां यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइस, तो यहां से वाई प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। बस ये एक्सेप्ट हो गया, अब बाहर आ जाइए। अब चलते हैं डिस्प्ले पर, ठीक है, और यहां से आ जाते हैं सेल्स वाउचर पे, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं सेपरेट डिस्काउंट कॉलम भी आ रहा है, ठीक है। यहां पर जैसे ही आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे हम, तो यहां पर आएंगे। अब यहां पर मान लीजिए कि 2% का डिस्काउंट देना है। अब यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर टोटल कॉस्ट देखिएगा 47,200 रुपए, यानी 47,200 रुपीज कुल मिला के ये बना हुआ है यहाँ पे बिल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ 40,000 है, ये देखिएगा यहाँ पे 2% का डिस्काउंट दिया तो यहाँ 39,200 हो गया, ये आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए जो 47,200 था वो 46,400 हो गया। तो ये इस तरह से डिस्काउंट भी लगा दीजिए आप, ठीक है, और जिस जिस आइटम पर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं उस आइटम पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जब डिस्काउंट जीरो था तो क्या था, अच्छा सीजीएसटी एसजीएसटी पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी को डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप डिस्काउंट दीजिए ना दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है इसको। यहां पर आते हैं, यहां पर अभी डिस्काउंट जीरो है, यहां पर जैसे ही आएंगे और अगर 2% इसका डिस्काउंट देंगे तो ये 36,600 कटा हुआ है, 3,600 सीजीएसटी एसजीएसटी कटा हुआ है। यहां पे हमने 2% का डिस्काउंट दिया, टोटल में कम हो गया, लेकिन जो आपका सीजीएसटी एसजीएसटी है वो सेम रहा। अब यहां से कंट्रोल ए प्रेस करता हूं, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसका प्रिंट हमें देखना है, इसका प्रिंट हमें निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए ये जो है इसको हम एक बार फिर से अल्ट पी प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं यहां से। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं, ये डेस्कटॉप पे गए हम और जाकर के इसको मैं एक्स्ट्रा के नाम से सेव कर रहा हूं, एक्स्ट्रा, ठीक है, और इसको डेस्कटॉप पे कर रहा हूं। यहां से ये ले लिया हमने और ये डेस्कटॉप पे हमने कर दिया इसको सेव, ठीक है। अब इसको हम ओपन करते हैं, यहां से ये ओपन करा हमने, दिखा रहा था। अब इस बिल को आप दोबारा देखिए, ये देखिए यहां पर डिस्काउंट भी लग करके आ रहा है। तो ऐसे ही बिल की आपने बात की थी वो मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद करता हूं प्रॉब्लम अब आपकी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।